गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम पवन सोलंकी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो चैप्टर 3 जो कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है, इसका टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये आज हम करने वाले हैं। इससे पहले ही क्लास में जो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल ठीक है बताया था, जिसमें कि हमने ठीक है इलेक्ट्रो ठीक है यहाँ पर जो ठीक इसको किया था भाई, ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस कराया था। ठीक है, तो अलग अलग ठीक है जो इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन एंड स्केल का जो हम कर चुके थे, ठीक है, और फिर मैंने आपको ये करने के लिए भी दिया था। आई होप ठीक आपने कर लिया होगा। अब चलते हैं की तरफ जो है, ठीक है भाई, हमारे पास जो है दूसरा दूसरा केस यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे, ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। किसका? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है हमारा टॉपिक का नेम जो, ठीक है। तो यहाँ पर केस सेकंड हम जो करने वाले हैं, केस सेकंड रहेगा, ठीक है, आज की क्लास में जो है इसमें कह रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। किसका? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस एनएसीएल। क्या रहेगा? एक्वस साल्ट रहेगा हमारा, ठीक है, एक्वस साल्ट है और साल्ट में हम जो ले रहे हैं, ठीक है, किस क्या एनएसीएल ले रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AQUS एक्वस साल्ट, ठीक है, एक्वस साल्ट। साल्ट में जो है एनएसीएल की बात करें, क्योंकि एनएसटी में एनसीआरटी के अंदर यही दे रखा है, तो हम यही जो यहाँ पर रखेंगे भी, ठीक है। तो जब एक्वस आ गया, पहले क्या था आपका? मोल्टन साल्ट था, ठीक है। कल ही क्लास में हमने जो किया था मोल्टन साल्ट किया था, मतलब वहां पर केवल क्या था? मोल्टन साल्ट कौन सा था? एनएसीएल था। वहां पर जो केवल क्या थे? दो आयन थे भाई, ठीक है। तो क्या रहेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, दो आयन थे, कौन कौन से? तो सोडियम आयन, दूसरा क्या था? क्लोराइड आयन, ठीक है, ये आयन थे। लेकिन अब यहाँ पर एक्वस वाटर भी आ चुका है, तो वाटर का भी क्या रहेगा? रोल रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? टू और मोर आयन्स, ठीक है, टू और मोर आयन्स, ठीक है, दो और जो आयन आ गए, ठीक है, आयन्स आर आल्सो, ठीक है, इन्वॉल्व, ठीक है, इन्वॉल्व, ठीक है। साथ ही कौन कौन इन्वॉल्व होगा यहाँ पर जो है, ठीक है, वाटर भी जो क्या होगा? इन्वॉल्व होगा, ठीक है, ये भी रहेगा भाई, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर जो कैसे, ठीक है। फर्स्ट केस, ठीक है, आपका जो इसके अंदर क्या एक्वस एनिशियल देख रहे हैं, इसके अंदर भी हम, ठीक है, एक्वस एनिशियल है यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसके द्वारा प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, एक्वस एनिशियल है, ठीक है। इसमें भी केस सेकंड के अंदर भी, ठीक है, जो फर्स्ट को हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, प्लेट क्या पता इनर्ट इलेक्ट्रोड हो, ठीक है, क्या पता नाउ मेटल इलेक्ट्रोड हो, ठीक है भाई, तो वो भी तो देख सकते हैं ना भाई, ठीक है, तो वो भी केस यहाँ पर जो हम, ठीक है, कंसिडर करेंगे। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो रहेगी आपकी, ठीक है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, एक्वस एनिशियल यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक यूज क्या यहाँ पर, ये एक्वस है भाई, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, आपका एक तो क्या कंसंट्रेटेड एनएसीएल भाई, ठीक है, एनएसीएल है, ठीक है, ये है, तो एनएसीएल क्या होगा, ठीक है, आयनाइज होगा, ठीक है, एनएसीएल जब आयनाइज होगा तो वो कौन कौन से आयन देगा भाई, ठीक है, वो आयन देगा कौन कौन से, एन ए प्लस आयन देगा प्लस सीएल माइनस देगा भाई, ठीक है, बस केस ये था, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, एक्वस एनएसीएल, ठीक है, हम कर रहे हैं यहाँ पर जो, ठीक है, ये एनएसीएल कैसा है? कंसंट्रेटेड है, ठीक है, कंसंट्रेटेड की बात कर रहे हैं, डायल्यूट वाला केस दूसरा होता है, ठीक है, उसको भी हम जो बात करेंगे। देखो दो चीजें इसके अंदर, ठीक है, एक्वस एनएसीएल के अंदर, ठीक है, सबसे पहला केस, ठीक है, जो आपका कंसंट्रेटेड एनएसीएल, एक्वस में बात कर रहे हैं, पहले क्या था? मोल्टन था, ठीक है, मोल्टन साल्ट था, ठीक है, वो हुआ। फिर उसके बाद हमारा दूसरा केस आया कौन सा? एक्वस साल्ट का आया, ठीक है, एक्वस एनएसीएल, ठीक है, एक्वस एक्वस साल्ट, ठीक है, उसके अंदर मतलब क्या रहेगा? पानी का रोल रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपके दो केस यहाँ पर रहेंगे, कौन कौन से? एक तो कौन सा? कंसंट्रेटेड एनएसीएल वाला रहेगा, ठीक है, दूसरा कौन सा रहेगा? डायल्यूट एनएसीएल रहेगा, ठीक है, तो दो केस यहाँ पर रहेंगे। अब जब कंसंट्रेट के अंदर क्या है? पानी तो है यहाँ भाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लेस वाटर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? लेस वाटर है, और यहाँ पर क्या है, ठीक है, मोर वाटर, डायल्यूट है तो ज्यादा वाटर रहेगा, ठीक है, दोनों केस में आपको, ठीक है, बताया जाएगा। फर्स्ट केस कौन सा? मोल्टन एनएसीएल वाला हमने करा भाई, ठीक है। अब एक्वस के अंदर आपके दो केस होते हैं, तो पहला हम कंसंट्रेटेड एनएसीएल वाला केस कर रहे हैं। जब आपका कंसंट्रेटेड एनएसीएल है तो क्या होगा, मतलब लेस वाटर, वाटर तो है, ठीक है, लेकिन कम मात्रा में है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ठीक है, डायल्यूट एनएसीएल है, एनएसीएल की मात्रा कम होगी, वाटर की होगी ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो केस, ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर सेकंड वाले के अंदर भी आपके, ठीक है, दो केस आ रहे हैं, ए वाला और बी वाला जो है, ठीक है, कंसंट्रेट वाला और डायल्यूट वाला, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कौन कौन से जो केस बनने वाले हैं यहाँ पर जो भी, ठीक है, तो एनएसीएल है, जब आयनाइज होगा तो क्या क्या देगा, ठीक है, एन ए प्लस आयन देगा और सी एल माइनस आयन देगा भाई यहाँ पर जो, ठीक है, बिल्कुल सही है। साथ ही जब वाटर है, ठीक है, तो वाटर भी आयनाइज होगा, ठीक है, देखो भाई क्या होता है, वाटर भी हमने यहाँ पर क्या किया, एक्वस साल्ट है ना, ठीक है, तो वाटर के साथ, ठीक है, एनएसीएल को मिलाकर के, ठीक है, उस सेल के अंदर जो रखा है, ठीक है ना, देखो कैसा रहेगा आपका जो, एक बार जो इसको देख लेते हैं, जो आपका ठीक है बैटरी सर, जो पूरा पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल रहेगा कैसा रहेगा, ठीक है, उसको एक बार यहाँ पर जो कंसिडर कर लेते हैं, अगर कल आप जो भूल गए हैं, ठीक है, दोबारा से इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या कंटेनर है, ठीक है, ये टैंक होता है, ठीक है, जो कि नॉन कंडक्टिंग टैंक होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रोड आपने लगा दिए, ठीक है, यहाँ दो इलेक्ट्रोड, ठीक है, इधर लगा दिए, ठीक है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, एक कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है, ठीक है, ये वाला क्या है, ये एनोड है, ठीक है, और ये वाला क्या होता है, ये कैथोड होता है, ठीक है, इसको लिख देते हैं हम पर एनोड, ठीक है, ये एनोड हो गया, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या, ये कैथोड अभी, ठीक है, कैथोड, ठीक है, चलो इसको जो है, ठीक है,
ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ठीक है, ये क्या है, ये वाला जो आपका एनोड है, ठीक है, प्लेटिनम का बना हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, ये कैथोड है, ठीक है। जो एनोड होती है, ठीक है, वो पॉजिटिव होती है, कैसे होती है, पॉजिटिव, ठीक है, तो ये कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होता है, बैटरी के जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये क्या होती है, जुड़ी होती है, ठीक है भाई। तो ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, बैटरी यहाँ पर जोड़ दिया हमने इसको जो, ठीक है, और कैथोड कैसे होता है, नेगेटिव होता है, कैथोड के ऊपर होगा रिडक्शन ही, ठीक है, पाओ और एनसीआर, ठीक है, दो कीवर्ड मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, पाओ, ठीक है, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, और यहाँ पर क्या एनसीआर, ठीक है, एनसीआर बोले तो, ठीक है, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, ठीक है, नेगेटिव होगा कैथोड होगा और रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका जो कैसा होने वाला है, ये नेगेटिव होने वाला है, ठीक है, आई बात समझे। अब इसके अंदर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, एनएसीएल भी है, क्या क्या है, एनएसीएल भी है इसके अंदर, ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और साथ ही क्या है वहाँ पर जो वाटर भी है, ठीक है, दोनों चीजें हमें यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, आयनाइज होगा किसके अंदर, ठीक है, एनए प्लस के अंदर, और सीएल माइनस के अंदर क्या होगा, आयनाइज होगा, ठीक है, एनए प्लस में भी आयनाइज होगा, किसमें होगा, सीएल माइनस में भी आयनाइज होगा, ऐसे वाटर भी क्या होगा, ठीक है, टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो, ठीक है, तो भी टूटने वाला है इसके अंदर, एच प्लस के अंदर और ओ एच माइनस के अंदर टूटने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों दोनों, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, कॉम्पिटिशन हो गया भाई, ठीक है, दोनों के अंदर, ठीक है। देखो क्या हो रहा था वहां पर, जो कैटायन है पहले किसकी तरफ जा रहे थे, कैथोड की तरफ जा रहे थे, और एनायन कहाँ पे जा रहे थे, इधर की तरफ मूव कर रहे थे। अब दोनों में से जो जाएगा, ठीक है, वही क्या करेगा, रेस जीतेगा, कौन जा रहा है, ठीक है, तो जो सबसे पहले जाएगा उसी की रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर जो भी, ठीक है, ऐसे इनमें से भी रहेगा, ठीक है। तो देखेंगे हम यहाँ पर कौन जो जाता है, ठीक है, और कौन किसकी जो रिएक्शन होती है यहाँ पर जो भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो एच टू भी क्या होगा, आयनाइज होगा किसके अंदर, एच प्लस में, और किसमें होगा, ओ एच माइनस के अंदर। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, वेरी लेस अमाउंट के अंदर है, वेरी लेस अमाउंट में अभी, ठीक है, याद रखना यहाँ पर ये, ठीक है, वाटर है तो सही, लेकिन कंपटीशन तो इसके साथ भी रहेगा यहाँ पर, ठीक, कंसर्न एनएसएल का केस है, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात सोचे, तो यहाँ पर आपके चार आयन हो जाते हैं, कौन कौन से आयन है, ठीक है, आयन की जो संख्या, ठीक है, कौन कौन रहेंगे, आयन तो हुए आपके एन ए प्लस, ठीक है, सी एल माइनस रहा, एच प्लस रहा, और कौन कौन सा रहा, ओ एच माइनस रहा, और साथ ही कौन रहेगा, वाटर भी तो रहेगा, ठीक है, वाटर भी रहेगा यहाँ पर जाए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ये, हेलो क्लास, ठीक, क्या मेरी आवाज आ रही है, हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना, ठीक है। हाँ भाई देखो, तो क्या रहेगा, ठीक है, ये वाले जो क्या रहेंगे, इसके अंदर जो आयन रहेंगे यहाँ पर जो, ठीक है, अब इन्हीं के साथ क्या यहाँ पर जो कंपटीशन रहेगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनोड के ऊपर रिएक्शन करते हैं, ठीक है, एनोड के ऊपर लिखते हैं ना, ठीक है, तो एट एनोड, एट एनोड के ऊपर क्या होगा, ठीक है, वो यहाँ पर हम देखेंगे भाई, ठीक है, और एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या होगा, ठीक है भाई, तो वो हमने यहाँ पर जो देखना है, ठीक है, एट एनोड, एट कैथोड, ठीक है। एनोड कैसा होता है आपका, पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसके ऊपर कौन आएंगे, नेगेटिव आयन आएंगे, ठीक है, नेगेटिव आयन कौन कौन से हैं, ठीक, बताइए जल्दी से, नेगेटिव आयन कौन कौन से है, एक तो सी एल माइनस है भाई, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, OH माइनस है, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर जो भी, ठीक है, Cl माइनस और OH माइनस, ठीक है, साथ ही क्या है यहाँ पर जो, ठीक है, वाटर भी है, ठीक है, वाटर भी है भाई, ठीक है, इसका भी क्या हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो एनोड के ऊपर क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है ना, ठीक है, याद किया, ठीक है, एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो ऐसे आप जो है, ठीक है, बना ले यहाँ पर जो, ठीक है, कैथोड है, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है इसके अंदर, ठीक है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर कौन आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव आयन आयन आएंगे, ठीक है, वो इसके ऊपर अप्रोच करेंगे, पॉजिटिव आयन में कौन कौन है, ठीक है, आपका एन ए प्लस होता है, ठीक है, और कौन होता है, ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा, ओ एच माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर एच प्लस रहेगा, और यहाँ पर क्या, ठीक है, जो आपका रहेगा, ठीक है, वो एस टू, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है, ठीक है, वो आ सकता है भाई, ठीक है ना। तो अब इनमें से जो है, ठीक है, यहाँ पर कौन होगा, ठीक है, सी एल माइनस जाना है या फिर ओ एच माइनस जाना है, ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये कैसे हमें जो पता चलेगा भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, किसकी रिएक्शन होगी, सी एल माइनस जाएगा एनोड के ऊपर या फिर ओ एच माइनस जाएगा, यहाँ पर एन ए प्लस जाना है या फिर एच प्लस जाना है, ठीक है। तो ये इस कंसेप्ट को जो है क्लियर करना है हमने, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, असल में यहाँ पर इन इन चारों, ठीक है, आयन में से जो होगा किस चार्ज का, किस आयन का क्या होगा, यहाँ पर एडजप्शन होगा, ठीक है, इसके इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो रहा है, एडजप्शन हो रहा है, किस तरह के एडजप्शन को मैं कहते हैं, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज होना, चार्ज क्या हो रहा है, डिस्चार्ज ही तो होते हैं, ठीक है, तो इस तरह के डिस्चार्ज को हम क्या कहते हैं, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, प्रेफरेंस के आधार पर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, ठीक है, हियर डिस्चार्ज विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, ठीक है, हियर डिस्चार्ज विल टेक प्लेस, डिस्चार्ज विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, ठीक है, प्रेफरेंस के आधार पर जो है, ठीक है, डिस्चार्ज होगा, ठीक है, और ठीक है, इस डिस्चार्ज को हम क्या कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज, ये क्या कहलाता है आपका, दिस इज कॉल्ड एज ए प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, ठीक है, क्या कहलाई गई है,
प्रेफरेंशियल प्रेफर, ठीक है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, ठीक है, ये कहलाएगा आपका क्या, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ये कहलाएगा, ठीक है, ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज कहलाता है। अब ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज कैसे डिसाइड होता है भाई, ठीक है, ये डिसाइड होगा आपका, ठीक है, किससे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, किससे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो, ठीक है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, देखो ज्यादा, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने ज्यादा याद नहीं करनी है, ठीक है, केवल कुछ ही एलिमेंट में आपको बताऊंगा, ठीक है, वही आपने याद करने हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले ऊपर की तरफ कौन आते थे, ठीक है, आपकी तरफ एलिमेंट थे, ठीक है, ऊपर की तरफ थे, जैसे क्या था, लिथियम था भाई, ठीक है, फिर उसके बाद कौन आता है, ठीक है, लिकाना के मांगे, ठीक है, सोडियम रहेगा, ठीक है, ये आएंगे, उसके बाद दूसरे एलिमेंट है काना के, ठीक है, जिंक, ठीक है, कुछ ही एलिमेंट यहाँ पर जो लिख रहा हूँ, ठीक है, आयरन है, ठीक है, इसके बाद जिंक आयरन, ठीक है, यहाँ पर रहा, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के बाद फिर आपको कॉपर होता था, कॉपर के बाद फिर क्या, ठीक है, मरकरी या फिर जो सिल्वर, ठीक है, आप लिख लो मरकरी, ठीक है, फिर सिल्वर, ठीक है, फिर उसके बाद, ठीक है, जो आपके, ठीक है, सिल्वर हो गया, सिल्वर के बाद आपके जो यहाँ पर जो एलिमेंट आते हैं नेगेटिव आयन वाले होते हैं, ठीक है, नेगेटिव आयन वाले जैसे सी एल क्लोच, ठीक है, सी एल ओ एच, ठीक है, देखो सी एल ओ एच, ठीक है, क्लोच, ठीक है, ये हो गया आपका नाइट्रेट सल्फेट, ठीक है, नाइट्रेट सल्फेट फ्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड है, ठीक है, ओ एच माइनस है, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, देखो क्लोज मैंने कर गया रखा है, ठीक है, देखो ये मेरे को याद, सर आवाज गई आपकी। ठीक है, देखो बेटा ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है भाई, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसमें कि आपके, ठीक है, एलिमेंट रहेंगे, ठीक है, लेकर आना के मांगे जो फैक्स करने, ठीक है, आप कर सकते हैं इसको याद। इसके बाद जो है ना कुछ एलिमेंट है, सॉरी एनायन है, ठीक है, सिर्फ इनको जो आपने क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, जैसे क्या रहेगा, ठीक है, ये वाले जो आपके एलिमेंट है सी एल ओ एच, ठीक है, क्लोज सल्फेट, ठीक है, क्लोज सल्फेट, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर जो, ठीक है, नाइट्रेट, ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर क्या रह गया सल्फेट, ठीक है, सल्फेट से सर फिर से गई आवाज। हेलो, हाँ, तो ये हो गया, ठीक है, क्लोज हो गया भाई, ठीक है, यहाँ से जो है, ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, नाइट्रेट रहेगा ये, ठीक है, फिर इसके बाद सल्फेट, ठीक है, SO4 2-, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, फिर इसके बाद, ठीक है, फ्लोराइड, ठीक है, तो ये पांच जो आयन है, ठीक है, इनको जो है, ठीक है, आपने याद रखना है, ठीक है, ये जो नए हैं जो ऐड हुए, ठीक है, ये ऑर्डर है, ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो SRP जो है यहाँ पर नीचे की तरफ जाने पर SRP क्या करता है, ठीक है, इन्हें बढ़ता हुआ, ठीक है, SRP क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है, नीचे की तरफ जाएंगे तो SRP, ये सीरीज है आपकी, ठीक है, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नीचे की तरफ जाने पर क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो इसका SRP 0, तो देखो इसका 0 होता है, इसका माइनस में होता है, लिथियम अगर माइनस में होता है, ठीक है, ऊपर वाले हाइड्रोजन से ऊपर वाले जिनका है इनका माइनस में रहेगा, और ठीक है इसका 0 होता है, ठीक है, आपका यहाँ से ये स्टार्ट, ठीक है, फिर इसके बाद प्लस में स्टार्ट होता हो जाता है, ठीक है, तो SRP क्या करता है, बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर ये देखना है, ठीक है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, देखो यहाँ पर क्या होना है, एनोड के ऊपर क्या होना है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, ज्यादा होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन उसका होगा, ठीक है, जिसकी टेंडेंसी ऑक्सीडेशन होने की क्या होगी, ज्यादा होगी, इनमें से चाहे ये हो, ठीक है, चाहे आपका क्लोराइड आयन हो, चाहे ओ एच माइनस हो, चाहे वाटर हो, चाहे कोई भी हो, तभी कैथोड के ऊपर क्या होना है, यहाँ पर क्या होना है, रिडक्शन होना है, क्या होना है, रिडक्शन हुई, ठीक है, अब जब रिडक्शन इधर की तरफ होना है तो रिडक्शन किसका होगा, जिसका SRP क्या होगा भाई, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, रिडक्शन होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है भाई, यहाँ पर जो, ठीक है, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में, ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं जिसका SRP ज्यादा होगा वो वही तो होगा भाई रिड्यूस जो भाई, ठीक है, यहाँ पर रिड्यूस वो होगा, ठीक है, रिड्यूस वो होगा जो कि जिसका SRP क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो मतलब SRP यहाँ पर, तो इसमें तो हमने क्या देखना है, SRP जिसका ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर SRP ज्यादा, ठीक है, जिसका है, ठीक है, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है, और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका SOP ज्यादा है, ठीक है, तो अपने यहाँ पर ये ध्यान देना भाई, ठीक है, तो हम यहाँ पर इस टेबल में देखेंगे, ठीक है, देखो
नीचे की तरफ जा रहे थे, एसआरपी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब ऐसे जाएंगे तो एसओपी क्या होगा, ठीक है, बढ़ेगा, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक है। देखो नीचे की तरफ आने पर एसआरपी क्या करता है, ठीक है, ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो उल्टा होगा, ठीक है। ऐसे जाएंगे तो एसओपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ, ये उल्टा होता है ना, एसआरपी और एसओपी दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका एसओपी क्या रहेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा रहेगा, अगर एसआरपी इसका सबसे मिनिमम है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सीएल, ठीक है, एनोड और, ठीक है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखना है, चलो पहले आसान वाला करते हैं, ठीक है, इसको बाद में करते हैं, पहले कैथोड वाले को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो सीरीज आपकी रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अभी रिडक्शन पोटेंशियल नीचे की तरफ जाने पर क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। तो एसआरपी में जिसका ज्यादा होगा उसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन में हमें देखना है किस किस का रिडक्शन देखना है, एनए प्लस का और एच प्लस का, ठीक है। तो एनए कहाँ पर है, ठीक है, ये रहा भाई, ठीक है, आपका एनए, ठीक है, और एच प्लस कहाँ पर है, ठीक है, एच, ये रहा भाई, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों में एसआरपी किसका ज्यादा है, इसका है, ठीक है, हाइड्रोजन का ज्यादा है, तो किसका रिडक्शन होगा यहाँ पर भाई, ठीक है, तो किसका होगा, ठीक है, एच का, इसका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिडक्शन होगा किसका होगा, ठीक है, एच का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना है, रिडक्शन होना है, ठीक है। अब रिडक्शन जो होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो रिडक्शन लिखे किसकी, रिडक्शन वाली, ठीक है, हाइड्रोजन का रिडक्शन, ठीक है, हमने देखना है, ठीक है, ये क्या रहेगा, एच रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होना है, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लस होता है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करा, क्या बनाया, एच बनाया, ठीक है भाई, यहाँ पर, ठीक है, बनेगा। अब यहाँ से ये दो हम दिखाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, दो हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। तो सोडियम और इसमें से, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, आपका एच प्लस का, ठीक है, यहाँ पर जो रिडक्शन होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये होगा आपका भाई, ठीक है। अब देखना है एनोड के ऊपर, ठीक है, एनोड के ऊपर जो है, ठीक है, हमने क्या देखना है, ऑक्सीडेशन देखना है, ऑक्सीडेशन किसका ज्यादा होगा। देखो नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो, ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या करता है, बढ़ता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को भी, ठीक है, ये आपने याद रखना है यहाँ पर जो, ठीक है। देखो किस किस का देखना है, एक तो सीएल माइनस का देखना है, एक ओ एच माइनस का, ठीक है, ये रहेंगे आपके, ठीक है, सीएल का देखेंगे, एक ओ एच का देखेंगे, ठीक है, इसका देखेंगे। देखो यहाँ पर तो बढ़ रहा है ना, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर, ठीक है, तो ज्यादा किसका होगा, सीएल का ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, तो इसका जब ज्यादा है तो क्या होगा यहाँ पर जो भाई, ठीक है, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब, ठीक है, सीएल माइनस है, यहाँ से ये आया, ठीक है, और यहाँ से क्या आया, ठीक है, ये आया, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन होने वाली है, ठीक है, तो दोनों में से रेस कौन जीतेगा, सीएल माइनस यहाँ पर जो जीतेगा, ठीक है, सीएल माइनस, ठीक है, ये क्या करेगा जो है यहाँ पर, ठीक है, लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, सीएल बनाएगा प्लस, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर आपका सीएल माइनस हो गया यहाँ से, ठीक है, ये बना, अब सीएल तो ऐसे तक एग्जिस्ट नहीं करता, तो ठीक है, ये टू सी एल माइनस, ठीक है, यहाँ से ये दो रहेंगे, ठीक है, और ये दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो हो गया यहाँ पर आपका, ये ऑक्सीडेशन भी हो गया और इधर की तरफ क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, दोनों के दोनों हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, ये हो चुका भाई, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, जस्ट वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, एनोड और कैथोड के ऊपर हमने दो रिएक्शन देखी, कौन कौन सी जो रिएक्शन होने वाली है, ठीक है, हमने देखा एक तो एनोड के ऊपर क्या होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा, किसका होगा, ठीक है, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन में से जो है, ठीक, क्लोराइड का जो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जो रिडक्शन जो होने वाला है सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में से, ठीक है, जो किसका होगा भाई, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का, ठीक है, क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेस विन हुई है, ठीक है, क्लोराइड ने और हाइड्रोजन ने यहाँ पर जो जीती होगी, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरिन गैस यहाँ पर जो निकलेगी, ठीक है, कैथोड और एनोड के ऊपर जो है, ठीक है, अलग अलग जो रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। तो दोनों की जो नेट रिएक्शन यहाँ पर जो, ठीक है, लिख देते हैं अगर हम, ठीक है, नेट रिएक्शन लिखे तो क्या नेट रिएक्शन होगी हमारी जो है, ठीक है, लिख लेते हैं भाई नेट रिएक्शन। देखो टू सी एल माइनस, ठीक है, टू सी एल माइनस प्लस टू एच पॉजिटिव, ठीक है, गिव राइज टू क्या क्या देगा, ठीक है, देखो टू सी एल माइनस टू एच पॉजिटिव, दो से दो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, क्या क्या बनेंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन बनेगा और प्लस, ठीक है, सी एल टू गैस यहाँ पर जो बनेगी भी, ठीक है। तो ये क्या है, ये ओवरऑल, ठीक है, जो आपकी क्या नेट रिएक्शन है, ठीक है, तो ओवरऑल, ठीक है, ये रहेगा। अब जबकि देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या रहा, एन ए प्लस तो यूं क्यों रहे, ठीक है, और ओ एच माइनस भी क्या रहे, ठीक है, यूं क्यों रहेंगे, ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे, वो दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, ठीक है, जो है कंपाउंड बना लेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, एनओएच कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वहां पर जो आपका बनने वाला है। तो दो एन ए प्लस, ठीक है, और दो ओ एच माइनस, ठीक है, ये दोनों के दोनों मिलकर के, ठीक है, क्या कर लेंगे अभी, ठीक है, वहां पर से जो है, ठीक है, टू एन ए प्लस, ठीक है, और ओ एच माइनस, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है, इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पर, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बन जाता है अल्कली, असल में ये प्रोसेस कौन सी है, क्लोरो अल्कली प्रोसेस है, ठीक है, ये आपने 10th क्लास में भी जो पढ़ी होगी, ठीक है, क्लोरो अल्कली प्रोसेस, क्लोरो अल्कली प्रोसेस पढ़ी है ना भाई 10th क्लास के अंदर, इसमें क्या बनता है, क्लोरीन बनता है, अल्कली बनता है, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है, ये गैस निकलती है, ठीक है, और हाइड्रोजन, ठीक है, एनोड के ऊपर निकलता है, ठीक है, ये एनोड के ऊपर, ठीक है, निकलेगा, एनोड के ऊपर बनेगा, ठीक है, और ये क्लोरीन जो बनेगा, ठीक है, कैथोड एनोड, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन गैस जो रहेगी, ठीक है, वो कैथोड के ऊपर, ठीक है, कहाँ गया, ठीक है, रबर, ठीक है, हाइड्रोजन जो गैस होगी, ठीक है, कैथोड के ऊपर, ठीक है, बनेगी, ठीक है, कैथोड के ऊपर बनेगी, और क्लोरीन गैस जो है, ठीक है, होगी, ठीक है, वो एनोड के ऊपर जो निकलेगी, ठीक है,
ये एनोड के ऊपर निकलेगी, ठीक, क्लोरीन गैस, और ठीक है ये कैथोड के ऊपर जो है ठीक है निकलेगी यहाँ पर, ठीक है ये रहेगी भाई, ठीक है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और ये क्लोरीन, ठीक है एनोड गैस, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, क्लोरीन बना यहाँ पर और अल्काली बना भाई यहाँ पर, ठीक है। अब देखो असल में क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड है, ठीक है, ये किसका, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड जो है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनएच, ठीक है, वहां पर जो है एक सेल होता है आपका इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनएच, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनएच, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है। कैलनर, ठीक है, सेल जो होता है, ठीक है, कास्टनर, CSTNER, ठीक है, KEL, कैलनर सेल, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है, ये जो है, ठीक है, कास्टनर, कैलनर सेल, ठीक है, क्या याद रखने भी, ठीक है, मेन पॉइंट जो है, ठीक है, क्या क्या रहेंगे अभी, ठीक है, उसको देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कौन कौन से जो मेन पॉइंट है हमने यहाँ पर देखा, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना। तो कुछ मेन पॉइंट है, ठीक है, वो देख लेते हैं सेल के बारे में, ठीक है, मेन पॉइंट जो रहेंगे फॉर कंसंट्रेटेड NaCl, कंसंट्रेटेड है भाई ये, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, ये रहेगा, इसके लिए जो है देखो NaOH, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, देखो क्या क्या यहाँ पर जो बना, ठीक है, NaOH क्या होता है, बनता है, ठीक है, फॉर्म्ड, ठीक है, ये कहाँ पे बनेगा, बिलो एनोड, ठीक है, एनोड के नीचे बनता है, ठीक है, बिलो एनोड, ठीक है, एनोड के नीचे बनेगा, ठीक है, और क्या क्या बनेगा यहाँ पर जो, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, बनेगी, ठीक है, और क्या बनेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, हाइड्रोजन बनने वाला, ठीक है, साथ ही क्या बनती है, क्लोरीन गैस भी बनेगी, ठीक, क्लोरीन गैस तो बनेगी, ठीक है, एनोड के ऊपर बनेगी, ठीक है, और ये वाला जो, ठीक है, कैथोड के ऊपर जो बनेगा, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन कैथोड के ऊपर जो बनेगा, ठीक है, यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो है, ठीक है, साथ ही बात, ठीक है, यहाँ पर जो NaCl की कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, नहीं, ठीक है, इसको जो है ठीक है, NaCl की कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, समय के साथ जो है क्या हो जाएगी, NaCl की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, ठीक है, क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, डिक्रीज करेगी यहाँ पर, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, Cl माइनस यूज होगा ना, तो NaCl भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, लेकिन Na प्लस क्या रहेगा, ठीक है, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, Na प्लस की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, Na, यदि आपसे पूछे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, तो ये क्या रहने वाली है, ठीक है, जो सेम रहने वाली है, सोडियम आयन कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम, ये क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, रिमेन्स सेम, सेम कंसंट्रेशन रहेगी यहाँ पर जो है, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, ये हो गया आपका Na प्लस हो गया, अब हाँ पीएच, ठीक है, पीएच क्या करेगी, देखो पीएच, ठीक है, पीएच क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, पीएच जो करने वाली है इंक्रीज होगी, ठीक है, क्यों इंक्रीज करेगी, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है आपका जो है पीएच इंक्रीज होगी, ठीक है, पीएच कैसे इंक्रीज हुई है, देखो वहां पर क्या थे, एच प्लस आयन भी थे और OH माइनस आयन भी थे, एच प्लस आयन क्या कर गए, ठीक है, ये यूज हो गए, ठीक है, ये वाले क्या हो गए, यूज हो गए, ठीक है, तो ये वाले जब यूज हो गए, ठीक है, वहां से, तो उसके अंदर क्या रह गए, OH माइनस आयन क्या रह गए, ठीक है, तो मतलब बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है, जब OH आयन की संख्या बढ़ेगा, बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, बेसिक करेक्टर बढ़ने का मतलब क्या, पीएच वैल्यू बढ़ जाना, एसिडिटी घट जाना, ठीक है, पीएच करेक्टर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज करेगा तो पीएच क्या करेगी, ठीक है, पीएच क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और एसिडिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, उल्टा रिलेशनशिप होता है ना, डिक्रीज, ठीक है, एसिडिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, तो ये भी जो यहाँ पर पूछ सकता है आपसे, ठीक है, सेल में कह रहा है पीएच घट रही है, बढ़ रही है, एसिडिटी घट रही है, बढ़ रही है, एसिडिटी बढ़ती है, बेसिक करेक्टर बढ़ता है, एसिडिटी क्या करती है, ये डिक्रीज करती है, ठीक है ना, समय के साथ साथ, क्योंकि हाइड्रोजन वहां पर जो यूज हो रहा है, ठीक है, ये रहेगा भाई, ठीक है। अब देखो यदि आपका, ठीक है, OH ये हो गया भाई, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पूरा सेल हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा केस जो है, ठीक है, बात करते हैं, ठीक है, आपका डाइल्यूट NaCl, ठीक है, मेन पॉइंट भी आपको बता दें, ठीक है, डाइल्यूट वाला NaCl, ठीक है, एक्वस NaCl है, ठीक है, एक्वस NaCl जो कि सेकंड केस था, ठीक है, जिसमें कि हमने क्या यूज किया, ठीक है, जो कि आपका कैसा है, डाइल्यूट है, ठीक, कैसा है, डाइल्यूट केस हम यहाँ पर जो उसका, ठीक है, पढ़ रहे हैं, ठीक है, बी केस जो है, ठीक है, सेकंड वाले में ही, ठीक है, अब की बार जो हम डाइल्यूट रहेंगे, मतलब वाटर क्या ज्यादा है, ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, मोर तो क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है, मोर H2 होगा, ठीक है, और लेस, ठीक है, लेस क्या रहेगा, NaCl क्या रहेगा, कम रहेगा यहाँ पर, ठीक, तो इसी केस में, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होंगे, ठीक है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर जो चेक करना है, ठीक है, क्या क्या जो प्रोडक्ट यहाँ पर जो बनने वाले हैं, ठीक है, तो फिर से जो है, ठीक है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर, डायल्यूट NaCl के समय, ठीक है, जब आपका डायल्यूट NaCl है, ठीक है, तो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट यहाँ पर जो है डायल्यूट NaCl है, तो ठीक है, वहां पर कैसा, कंसंट्रेटेड NaCl था, एक्वस में था, ठीक है ना, यहाँ पर कैसा, डायल्यूट है, ठीक है, वाटर क्या ज्यादा भाई, ठीक है, तो वाटर क्या रहेंगे यहाँ पर ज्यादा रहेंगे, ठीक है, देख लेते हैं, तो एनोड के ऊपर क्या क्या रिएक्शन होगी, ठीक है, फिर से वही सेल पूरा पूरा भाई, ठीक है, एनोड एनोड के ऊपर, ठीक है, प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा,
अब जो है ठीक है यहाँ पर जो है तो कौन आएंगे, NIN आते हैं, CLO होगा वहाँ पर, ठीक है, वॉच माइनस होगा, ठीक है, और साथ ही ठीक है वाटर भी रहेगा, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, ठीक है, कैथोड होगा, कैथोड के ऊपर जो है सब कुछ लग गया, ठीक है, दूसरा कैथोड, ठीक है, कैथोड को देख लेते हैं। कैथोड, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसके ऊपर कौन आते हैं, प्लस वाले आयन आते हैं, प्लस, ठीक है, Na+ रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, एच प्लस रहेगा, ठीक है, ये रहेंगे यहाँ पर जो भी, ठीक है, तो इसमें भी क्या रहेगा, यहाँ पर कंपटीशन रहेगा भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो है, अब देखो Cl- और OH-, ठीक है, फिर से देख लेते हैं यहाँ पर जो, ठीक है, आपकी सीरीज सी क्या थी, ठीक है, लिथियम सोडियम, ठीक है, ये था यहाँ पर, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, फिर इसके बाद जिंक था, आयरन था, फिर इसके बाद क्या था, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद फिर हमने क्या लिया था, ठीक है, कॉपर ले लो, ठीक है, फिर इसके बाद जो है, ठीक है, सिल्वर ले लो, सिल्वर के बाद, ठीक है, क्लोज, CLOH क्लोज था, फिर इसके बाद नाइट्रेट था, ठीक है, नाइट्रेट आयन, ठीक है, ये आयन, ठीक है, ये आयन याद रखने वही है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, सल्फेट आयन, ठीक है, बताते रहो, नहीं तो इनके जो SRP दे रखा होगा, ठीक है, आपको जो भी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, F- ठीक है, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जाने पर SRP क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्या करता है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, SRP क्या करता है, इंक्रीजेस, ठीक है, ये इंक्रीज करता है नीचे की तरफ जाने पर, ठीक है, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो SOP क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ऊपर की तरफ SOP क्या करेगा, इंक्रीज कर, ठीक है, ये होता है यहाँ पर। अब तो हमने देखना था Cl- और OH-, ठीक है, तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीडेशन होना है यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा भाई, ऑक्सीडेशन उसका होना है जिसका SOP क्या होगा, SOP इसका ज्यादा होगा, ठीक है, SOP ज्यादा किसका है, ठीक है, SOP ज्यादा किसका, ठीक है, यहाँ पर जो है Cl और OH, ठीक है, तो क्लोरीन का, ठीक है, क्या रहेगा, ठीक है, ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो Cl भी है, ठीक है, OH भी है, ठीक है, कंपटीशन में, लेकिन अब की बार क्या है, क्लोराइड आयन क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है, ये क्या है, लेस अमाउंट में है, ठीक है, और OH- क्या है, ये मोर अमाउंट में है, ठीक है, तो क्या होगा वहां पर उस कैथोड के ऊपर, ठीक है, सॉरी एनोड के ऊपर जो है, ठीक है, Cl- ने जाकर के कौन जाएंगे वहां पर, सारे के सारे OH- जाएंगे, ये जाकर के वहां पर क्या हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो गए, इकट्ठे होंगे वहां पर जो है, ठीक है, तो इस केस के अंदर, ठीक है, इस केस में क्या होगा, ठीक है, मोर कंसंट्रेशन, ठीक है, मोर कंसंट्रेशन, मोर अमाउंट होने की वजह से, ठीक है, क्या होगा, Cl- तो कम है, क्योंकि पानी क्या है वहां पर जो है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया, Cl- कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो गई, तो इसका जाने पर वहां पर उतनी ज्यादा क्लोरीन गैस नहीं बनेगी, OH- ज्यादा है, तो सारे के सारे जो है, देखो Cl तो मान लो, ठीक है, वो तो यहीं पर चिपटे रह गए, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहीं पर रह गए, लेकिन OH-, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर चले गए, ठीक है, वो तो उसको, ठीक है, चारों तरफ से, ठीक है, ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, ऐसे क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा हो गए, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो यहाँ पर ज्यादा, ठीक है, होंगे वो एडजॉर्ब होंगे, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन उनका होना है, ठीक है, वो क्या करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे एनोड के ऊपर जो है, ठीक है, कौन OH- यहाँ पर क्या करने वाला है, विन करने वाला है, ठीक है, तो इसी केस में क्या था, उल्टा होता है, ठीक है, ये जीतेगा, ठीक है, तो इसका कारण क्या रहा, ठीक है, यहाँ पर जो है OH-, ठीक है, OH- क्या रहेगा, इज ग्रेटर देन Cl-, ठीक है, इसी अमाउंट जो भी, ठीक है, इन दिस केस ड्यू टू, इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, इन दिस केस ड्यू टू मोर कंसंट्रेशन, ड्यू टू मोर कंसंट्रेशन, ठीक है, मोर कंसंट्रेशन ऑफ OH-, ठीक है, OH- होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा भाई, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है, रिमेंबर करना, ये अपोजिट है थोड़ा सा, ठीक है, केस है, ठीक है, इसको याद रखना, तो यहाँ पर OH- क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, अब OH- का ऑक्सीडेशन होगा कैसे होगा, ठीक है, वो देख लेते हैं यहाँ पर, देखो OH- जब ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, तो ये क्या देता है यहाँ पर जो है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, कर दिया, और ये क्या बनाएगा, OH बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा, अब देखो OH जो है, ठीक है, ये OH ऐसे नहीं रहता, ठीक है, इसकी थोड़ा कैथोड को मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ से ले जाता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ, ठीक है, लेसर टूल सिलेक्ट, ठीक है, ठीक है, इसको उठा लेते हैं, ठीक है, इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, तो 3 मिनट रहती है, जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं अभी, ठीक है, तो देखो क्या होगा, OH-, ठीक है, ये रहा भाई आपका, ठीक है, हाँ, ब्लू वाला था ना, ठीक है, अब ये 2OH, ठीक है, 2OH, ठीक है, जब ऐसे दो दो बार होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 2OH मिल करके, ठीक है, 2OH+OH मिल करके ये क्या बनाते हैं, एक तो H2O बनाएंगे, ठीक है, प्लस एक ऑक्सीजन, ठीक है, ये बनेगा, अब ऑक्सीजन का एक एटम बना, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता अभी, ठीक है, तो ये क्या होंगे, ठीक है, ऐसे जो है 2OH अगर हम लें, दो दो ऐसे ले, ठीक है, तो क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पर जो है 2H2O बनेगा, ठीक है, और ये 2O, ठीक है, मतलब O2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, O2, ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट ये होने वाला, ठीक है, तो दो और दो OH है, ठीक है, तो मतलब ये चार रहे होंगे, ठीक है, तो ये ओवरऑल, ठीक है, आपका क्या चार रहा होगा, ठीक है, तो अगर मैं इस रिएक्शन को, ठीक है, अच्छे से लिखूँ, ठीक है, तो ये चार OH हमारे क्या हुए, यूज हुए यहाँ पर, ठीक है, तो हम इस रिएक्शन को, ठीक है, या तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है, इसको, इस वाले रिएक्शन को, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 4OH-, ठीक है, जब बैलेंस करते हैं ना, ठीक है, असल में यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, ये वाला प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनता है, ठीक है, तो आप तब रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, आसानी से बैलेंस कर सकते हैं भी, ठीक है, तो क्या क्या बनेगा यहाँ पर, जो 4OH, ठीक है, ये रहेंगे, एक क्या बना यहाँ पर जो, ठीक है, 2H2O, ठीक है, ये बन गया, प्लस, ठीक है, आपका क्या बना, O2, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल बना, प्लस, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, ये यहाँ पर रहेगा भाई, ठीक है। या तो आप इसको ठीक है 2 से डिवाइड करोगे तो हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ हाफ भी आप करके दिखा सकते हो, ठीक है, ये भी रहेगा। तो यहाँ पर जो है मेन रिएक्शन आपकी कौन सी वाली है, ठीक है, ये वाली जो है मेन रिएक्शन है, ठीक है, इसको ठीक है, ये वाली जो आपकी क्या रहेगी, ठीक है, मेन रिएक्शन रहेगी यहाँ पर, ठीक है, जो कि ऑक्सीडेशन वाली है, ठीक है। तो मैंने समझाया आपको, ठीक है, कैसे जो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ये स्टेप भी, ठीक है, छोटे छोटे मैंने आपको बताया कैसे बनाया यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखते हैं कैथोड, कैथोड के ऊपर जो है, ठीक है, क्या होना है, रिडक्शन होना है, ठीक है। उस रिडक्शन को भी यहाँ पर जो है, ठीक है, देख लेते हैं, इसको ऊपर उठाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उठा भाई, ठीक है, ये हाँ, ठीक है। अब जो रहेगा इन दोनों में से जो देखो कौन जीतेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, कैथोड के ऊपर जो होगा, ठीक है भाई, ठीक है, एच प्लस दिखेगा, रिडक्शन जिसका ज्यादा भाई, ठीक है, तो ज्यादा किसका है, एच का है, ठीक है, इसका ज्यादा है तो ये होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन आएगा यहाँ पर जो, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर जो रिडक्शन जो है 2H+, ठीक है, क्या करेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा यहाँ पर जो है, ठीक है, गेन करेगा, गेन करके जो ये बनाएगा, क्या बनाएगा, ठीक है, H2S, ठीक है, बना देगा, ठीक है। तो नेट रिएक्शन जो आपकी क्या होगी, नेट रिएक्शन लिख देते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, ओवरऑल जो रिएक्शन रहेगी, ठीक है, 2OH कभी भी जो है, ठीक है, ये जा सकता है 2H+, ठीक है, ये रहेंगे, ठीक है, 2H ना, अच्छा ये 4OH, ठीक है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 4 कर देंगे यहाँ पर जो, ये 4, ये भी, ठीक है, 4H+, ठीक है। अब ये नेट रिएक्शन आपकी जो होगी, ठीक है, वो होगी यहाँ पर क्या क्या बनेगा, O2 बनेगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, प्लस 2H2, ठीक है, ये बनेगा, ये प्रोडक्ट आपके, ठीक है, यहाँ पर बनने वाला, ठीक है। तो ये जो आपके क्या होते हैं मेन प्रोडक्ट रहते हैं, ठीक है। नेट रिएक्शन आपकी ये 4OH है, ठीक है, 4H+, ठीक है, इससे आपका क्या बना, मतलब 4H2O, ठीक है, ये 4H2O है, ये कह सकते हैं हम यहाँ पर जो, ठीक है, और ये 2H2O, तो इसको जो हम, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2H2 कट जाएंगे ना ये, ठीक है, तो 2H2O करके O2+H2, ठीक है, भी ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। असल में क्या वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस तो है ये, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस